Hey guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuff related to it. आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फॉरेंसिक फार्मेसी के ऊपर. आज हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940, उसका चैप्टर 1 और 2 आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. अब मुझे ये लगता है कि फॉरेंसिक फार्मेसी जो है इट इज़ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट इन द होल फार्मास्यूटिकल करिकुला, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है. आपको बस रटना है और रट के आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है. एग्ज़ाम ये नॉर्मल सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में ही, इसमें सिर्फ रटना ही होता है. तो क्या होता है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पढ़ना क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है. तो आज इस वीडियो में मैं पूरा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2, सिर्फ इस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आज उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूंगा. चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में. व्हाट इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 इंटेंडेड फॉर? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 इज एन एक्ट इंटेंडेड फॉर द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक ड्रग तैयार हो रहा है, फिर वो जाता कहाँ पे है, वो जाता है होलसेलर के पास, फिर वो होलसेलर से वो डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है डिफरेंट रिटेलर्स के पास, और फिर वो रिटेलर्स से हम कस्टमर्स उस ड्रग को या फिर कॉस्मेटिक को खरीदते हैं. नाउ ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो ऑपरेट करता है, ये ऑपरेट करने के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स को ये मान के ही इस पूरे नेटवर्क को चलाया जाता है. तो ये रूल्स किस एक्ट के अंदर पड़ता है? इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 के अंदर पड़ता है. तो ड्रग्स की बात जब हो ही रही है तो चलिए जानते हैं कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट ने ड्रग को कैसे डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940, व्हाट इज अ ड्रग? सो पढ़ते हैं. ड्रग्स इंक्लूड ऑल द मेडिसिन्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड ऑल द सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो इंक्लूड प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मस्क्यूटोज. तो ड्रग्स क्या है? ड्रग्स वो सारे मेडिसिन है जो हम ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के ऊपर इंटरनली एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं. नाउ पहले वो क्या काम में लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज इन डायग्नोसिस, जैसे कि आपका हो गया बेरियम मिल एक्सरे, उसमें क्या होता है, एक BASF4 सॉल्ट रहता है जो रेडियो ओपेक होता है. इसके कारण क्या करता है, हमारे GI ट्रैक्ट के अंदर कोई भी अगर अल्सरेटिव कंडीशन हुआ तो वो डिटरमाइन कर देता है. ठीक है, अब ट्रीटमेंट तो आपको पता ही होगा, आपको जब फीवर होता है आप पैरासीटामोल खा लेते हो तो उससे आपका फीवर घट जाता है, तो इसी को कहा जाता है ट्रीटमेंट. मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर 190/100 है, तो आप उसको घटाना चाहते हैं बाई टेकिंग एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिससे कि आपका 140/90 हो जाए. तो क्या हम कर रहे हैं मिटिगेशन में, हम उसको कंप्लीट क्योर नहीं कर रहे हैं. मिटिगेशन में हम वो कंडीशन का जो सीरियसनेस है, कंडीशन का जो सीवियरिटी है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं. और प्रिवेंशन तो आपको बताइए, वैक्सीनेशन. तो ये सारे चीज़ों को ड्रग बोला जाता है. इसके साथ साथ जो प्रिपरेशंस हम ह्यूमन बॉडी में लगाते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स हमारे सामने ना आए, फॉर एग्जांपल मस्क्यूटोस, जैसे कि हो गया आपका ओडोमोस, तो इन सबको भी हम ड्रग्स के अंदर फैलते हैं. The next question is, what are Ayurvedic, Siddha and Yunani drugs? Ayurvedic, Siddha and Yunani drugs include all the medicines intended for external or internal use for or in human beings and animals and manufactured exclusively in accordance with the formulae prescribed in the authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Yunani tip system of medicine specified in the first schedule. तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ. मान लीजिए कि ड्रग एक खाना है और ये जो बुक्स होता है वो मान लीजिए आप एक रेसिपी बुक है. तो ये आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी टिप सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बुक्स होंगे, जो कुकिंग बुक्स होंगे, उसके रेसिपी लेकर अगर हमने कोई खाना बनाया तो वही है आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एक्ट ने कॉस्मेटिक्स को कैसे डिफाइन किया है. तो चलिए पढ़ते हैं. कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड,
poured, sprinkled or sprayed onto or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering the appearance and includes any article intended for use as a component of cosmetic. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इंसान के सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं वही कॉस्मेटिक है. मान लीजिए जैसे कि हो गया आपका टैल्कम पाउडर हो गया, फिर हो गया आपका फाउंडेशन हो गया, फिर लिपस्टिक, बहुत बहुत कुछ है लड़कियों को पता होगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं इनको कॉस्मेटिक्स. तो अब हम आते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के ऊपर. अ पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन मीन्स इन रिलेशन टू ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एक्सेप्ट आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी टिप सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, अ ड्रग विच इज़ अ रेमेडी फॉर प्रेस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म रेडी फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया फॉर द टाइम बींग और एनी अदर फार्माकोपिया इन दिस बिहाफ बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5. मान लीजिए कि मैंने एक बहुत यूनिक एंटी कैंसर ड्रग बनाया है, तो अगर मैं उस ड्रग के लिए एक लाइसेंस बनलाऊँ विच विल गिव मी द सोल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग दैट ड्रग, तो फिर उस लाइसेंस को ही कहा जाता है पेटेंट और वो ड्रग को कहा जाएगा पेटेंटेड ड्रग. चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इन शॉर्ट DTAB. जो अगर आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम सामने है और ये पार्ट अगर आपका सिलेबस में है तो ये DTAB आपको आने ही वाला है, 5 नंबर का आपका आएगा ही आएगा, ठीक है. तो चलिए पढ़ते हैं. तो स्क्रीन में आप जो लिखा हुआ देख सकते हैं, ये पार्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का अगर आए तो आप ये पार्ट ज़रूर लिखना एज एन इंट्रोडक्शन. The central government shall, as soon as may be, constitute a board to be called as the Drugs Technical Advisory Board to advise the central government and state government on technical matters arising out of the administration of the Act and to carry out the functions assigned to it under this Act. अब आपको एक बात बता दूं कि ये shall या फिर ये जो future tense में हम बहुत जगह ही पढ़ेंगे, ये future tense में आप सब कुछ लिखा हुआ है. याद रखना कि ये सारी चीज़ें 1940 के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है. तो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाएगा, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. क्यों बनाएगा? ताकि कोई भी ये जो एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इसका जो भी टेक्निकल मैटर्स है इसके बारे में ये लोग डिस्कस कर सके और अकॉर्डिंगली वो फंक्शन कर सके. तो अब हम आते हैं मेम्बर्स ऑफ DTAB में. तो क्या होता है कि बहुत टाइम ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एट अ टाइम ये सब कुछ लिखा रहता है. तो मैंने इसको एक टैबुलर फॉर्म में किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. और एक चीज़ है कि जितने सारे डेजिग्नेशन, जितने सारे पोस्ट मैंने लिखा है उसके साइड में आप एक्स ऑफिशियो लिख देना. मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि एक्स ऑफिशियो का आइडियल मतलब क्या है, इसीलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता. बट आप जस्ट साइड में कॉमा देके एक्स ऑफिशियो लिख देना, जितने भी अभी यहाँ पे जितने सारे पोस्ट मैंने लिखा है, ठीक है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं. पहला पोस्ट है डायरेक्टर्स का. तो डायरेक्टर कौन कौन रहता है इस मेंबर में, जो डायरेक्टर्स है. नंबर 1, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो चेयरमैन बनता है आगे जाके. नंबर 2, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कलकत्ता. नंबर 3, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली. नंबर 4, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर. नंबर 5, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. अब प्रेसिडेंट्स में आते हैं. प्रेसिडेंट कौन कौन से जगह का प्रेसिडेंट चाहिए, जगह मतलब काउंसिल. नंबर 1 इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है. इन दोनों का प्रेसिडेंट को ये DTAB का मेंबर होना पड़ेगा. एंड लास्ट 1 इज़ आपको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भी रखना पड़ेगा. अब इन सारे पोस्ट के अगेंस्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉमा दे के एक्स ऑफिशियो लिख देना. पढ़ेंगे अदर मेंबर्स ऑफ द DTAB. तो अदर मेंबर्स में 2 तरह के मेंबर रहते हैं, एक रहता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक रहता है इलेक्टेड मेंबर्स. अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो पढ़ते हैं नॉमिनेटेड मेंबर में. पहला है 2 persons हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट. दूसरा है 2 persons होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट. और तीसरा है 1 person फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो ये सब लोग नॉमिनेटेड होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इलेक्टेड में आते हैं. 1 person इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग टीचर्स ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एफिलिएटेड देयर टू.
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ये एक लोग को सिलेक्ट करेगा जो कौन होगा, टीचर होगा फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्माकोग्नोसी का, जो एक इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है या फिर ऐसा कोई फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाता है जो इंडियन यूनिवर्सिटी के पास एफिलिएटेड है, कोई एक इंडियन यूनिवर्सिटी के पास। सेम तरह से वन पर्सन इलेक्टेड बाई द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग टीचर्स ऑफ मेडिसिन एंड थेरापूटिक्स ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एफिलिएटेड देयर टू। नेक्स्ट है वन पर्सन इलेक्टेड बाई द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फिर है वन पर्सन इलेक्टेड बाई द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, एंड लास्ट है वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाई द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये है पूरा मेंबर्स ऑफ DTAB, आप ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ DTAB में। पहला फंक्शन जो है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ DTAB शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 3 ईयर्स बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन एंड रीइलेक्शन। तो जितने सारे नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स है वो क्या होंगे, वो ये ऑफिस को होल्ड करेगा फॉर 3 ईयर्स और उसके बाद वो फिर से एलिजिबल होंगे फॉर रीनॉमिनेशन एंड रीइलेक्शन। फिर नंबर टू हम आते हैं, नंबर टू में क्या है, द बोर्ड मे सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक बायलॉज फिक्सिंग अ कोरम एंड रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोडक्शन एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड बाय इट। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के हिसाब से कोई भी बायलॉ बना सकता है जिससे कि कोई जो मैटर है वो मैटर को ठीक करने के लिए, कोई भी वो इनसाइड मैटर जो होता है वो ठीक करने के लिए कोई भी बायलॉ बना सकता है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड शैल बी एक्सरसाइज नॉट बी स्टैंडिंग एनी वैकेंसी देयर इन। कोई वैकेंसी रहा भी तब भी ये सारे फंक्शंस बोर्ड का चलता रहेगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन बंद नहीं होगा। फिर द बोर्ड शैल कंस्टिट्यूट अ सब कमिटी एंड मे अपॉइंट टू सच सब कमिटी फॉर सच पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स एज इट मे डिसाइड और टेम्पोरली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स पर्सन हु आर नॉट मेम्बर्स ऑफ द बोर्ड। तो ये बोर्ड क्या कर सकता है, एक सब कमिटी बना सकता है कुछ लोगों का जो शायद इस बोर्ड के मेम्बर्स ना बने, पर उस कमिटी के पास वो किस लिए जा सकते हैं, कभी कभी उनका कोई काम करवाने के लिए वो कमिटी के पास दे कैन अपॉइंट। फिर आता है लास्ट पर पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्स अ पर्सन टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड प्रोवाइड्स द बोर्ड विद सच क्लैरिकल एंड अदर स्टफ्स एज द गवर्नमेंट कंसिडर्स नेसेसरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इस पूरे बोर्ड का एक पर्सन बनाएगा जो सेक्रेटरी होगा और उसको ये बोर्ड को सारे क्लैरिकल जॉब्स देगा, क्लैरिकल स्टाफ्स को करने के लिए बोलेगा जो गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी लगेगा। लास्ट वन है आपका सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं DTAB की तरह, पर फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एज सून एज मे बी एस्टैब्लिश द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू इट बाय दिस एक्ट एंड एनी रूल्स मेड अंडर दिस चैप्टर। तो क्या होगा कि जो भी ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक्स आएगा वो ठीक है कि नहीं, तो ये इस सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के थ्रू पास करना पड़ेगा। अगर ये सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के थ्रू पास कर गया, इसका कंप्लीट एनालिसिस या टेस्ट होने के बाद अगर ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक अगर सही निकला, तो अगर ये अप्रूव किया सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, तो ही क्या होगा, ये फिर हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे इसको, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये इसका सेल होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं द CDL मतलब सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी मे आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द बोर्ड मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग ए द फंक्शंस ऑफ द CDL मतलब क्या करना पड़ेगा ये वो CDL डिसाइड कर लेगा। फिर द प्रोसीड्योर फॉर सबमिशन टू द लेबोरेटरी अंडर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4A ऑफ सैम्पल्स ऑफ ड्रग्स फॉर एनालिसिस एंड टेस्ट फॉर्म्स ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स देयर ऑन एंड फीस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट्स। तो क्या होगा कि जो पूरा प्रोसीड्योर है कि ये ड्रग को लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर कैसे रिपोर्ट निकलेगा, फिर ये कितना पैसा देना पड़ेगा इस रेस्पेक्ट में, तो ये सब किसको देखना पड़ेगा, ये CDL को, इसके हिसाब से कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा। फिर क्या है और भी है, नंबर सी दैट इज सच मैटर्स एज नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट टू एनेबल द सेड लेबोरेटरी टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। तो और भी ऐसे सारे मैटर्स होंगे जो ये लेबोरेटरी को बता एनेबल करेगा खुद के फंक्शंस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। नेक्स्ट है द मैटर्स नेसेसरी टू बी प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविसो टू द सबसेक्शंस।